तो मेरे घर में ये जो बॉर्नवीटा था ना, ये पूरी तरीके से जम गया था। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसका हम रीयूज़ करते हैं। पहले मैंने चेक किया तो ये एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं था, अभी इसकी डेट थी। और मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि बॉर्नवीटा ना सूख जाता है, तो मैं इसको पहले तोड़ने की कोशिश करी क्योंकि ये ना पत्थर जैसे हार्ड बन गया था। पहले मैं इससे चिमटे से तोड़ रही थी, बिल्कुल भी नहीं टूटा। फिर मैंने ना इसको बेलन से जो है तोड़ने की कोशिश की, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रिसीव हुए। और फिर मैंने इसको ना जो है इस जूसर में डाला, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं डाले मैंने। मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसके दांती वो ख़राब हो जाएं, और छोटे छोटे टुकड़े ही डाले इसमें। और फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा चीनी ऐड की, और चीनी ऐड करने के बाद जो है मैं इसको घुमा दूंगी। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि चॉकलेट शेक पीना है, आज उसकी छुट्टी थी और जो है अभी अब सोना भी घर पे ही थी, तो दोनों के दोनों बैठे थे और दोनों का मन था कि कुछ हो जाए। और अभी मुझे खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि तब तक जो है ये कैसे रहेंगे। और इनको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो बस फिर मैंने जो है ये अपना पुराना एक जो मेरा तरीका है ये स्टार्ट किया, और इनको जो है शेक पिलाने की कोशिश की। तो चीनी डाल दी है मैंने इसमें, और अब इन दोनों को ना पहले अलग से कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसमें दूध डालते ना, तो ये जो बॉर्नवीटे के टुकड़े हैं ना, ये घुलने में टाइम लगता है, और ऐसे में ये चीनी के साथ ना पिस जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो है इसका ना मतलब एक दरदरा सा वो बन जाएगा, पाउडर सा बन जाएगा, चीनी तो ज़्यादा पिस जाएगी, लेकिन ये जो बॉर्नवीटा है ना काफ़ी हद तक जो है इसमें ग्राइंड हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसमें ना ठंडा दूध डालना है। और ये ना मैं बहुत बार बनाती हूँ, अब ये अलग बात है कि वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियोस में मैं इसको फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। और दूध डालने के बाद भी हम ना इसको घुमा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है दूध को, कई बार ऐसा होता है कि दूध फट जाता है बहुत ज़्यादा जो है घुमाने की वजह से। बस अब इसको डालेंगे ग्लास में, और इतना बढ़िया झाग बन गया है और बहुत टेस्टी होता है इस तरीके से ना। वैसे जब कभी आपके पास चॉकलेट सिरप या फिर हर्षी सिरप ना हो, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, एकदम वैसे ही इसका टेस्ट आता है जैसे रेस्टोरेंट में चॉकलेट सेक का आता है। तो थोड़ा मैंने इसको ना छान के डाला, मैंने कहा ये जो बॉर्नवीटा के टुकड़े हैं ना ये ना आए मुंह पे, बहुत अमेजिंग हो रहा था ये। तो बस अब मैं जो है इसको बच्चों को देती हूँ और आप लोगों को भी सुनाती हूँ कि कैसे। और सोना को देखना कि पक्का पहले मुंह पिचकाएगी, उसके बाद अच्छा बोलेगी। और सोना की ना हमेशा ये आदत है कि पहले ऐसे करती है और उसके बाद मुझे ज़रूर से टेस्ट कराएगी। कुछ भी चीज़ हो ना जो मैं उनके लिए लेकर जाती हूँ, तो सोना पहले मुँह पिचकाती है, नाटक करती है, और उसके बाद ना मुझे जो है हमेशा मुझे शेयर जरूर करती है। Excuse me. चॉकलेट शेक है अपन को दे दो। कैसा हो रहा? मैंने टेस्ट कर लिया ऑलरेडी। कैसा हो रहा है मैम? ठीक है, अच्छा नहीं है। अच्छा, एक ग्लास ठंडा दूध था, थोड़ा सा बॉर्नवीटा था, मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हो जाए, है ना। और है।